हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। खादी प्राकृतिक पेंट, नेचुरल और खादी वाला पेंट। इंडियाज फर्स्ट काउ डंग पेंट में हमने इसमें केमिकल नहीं यूज किए, तो क्या यूज किया? काउ डंग, गाय का गोबर, ठीक है। डेवलप्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने डेवलप किया। इट इज इको फ्रेंडली, भी एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, नॉन टॉक्सिक पेंट है, इतना जहरीला नहीं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट विद एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ये भी है। फंगाई को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। इट इज फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स लाइक, ये हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे पेंट है ना, केमिकल वाले पेंट, उसमें हैवी मेटल्स बहुत होते हैं, उसमें बहुत खतरनाक ये है, होता है हमारे हेल्थ के लिए पेंट। उसके ऐसे ऐसे देखो, लेड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम वगैरह, ये सब होते हैं किसमें? पेंट में। तो हमने पढ़ा था कि कैसे पेंट दिखने में तो अच्छा लगता है, अगर जैसे बच्चों के झूले हैं, तो बच्चे जब झूला झूलते हैं उनके हाथों में पेंट लग जाता है, फिर ऐसे ही उनके ना मुंह में लग जाता है, धीरे धीरे उनके है ना अंदर भी चला जाता है। तो ये बड़े खतरनाक है चीज, क्या? पेंट। तो उसके विकल्प में ये अच्छी एक बात है कि हमने खादी प्राकृतिक पेंट बनाया है, किससे? काउ डंग, गाय के गोबर से, ये बात होगी। सर्टिफाइड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इसने इसको सर्टिफाइड किया है। तो काउ डंग बेस्ड पेंट है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये इको फ्रेंडली है? यस। क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? यस। आमतौर पर क्या होता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वगैरह हम कह देते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, पर ये भी, ये वाला क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसकी कोई कीमत अधिक नहीं है, क्योंकि गोबर वगैरह ये सब क्या है? नेचुरल अकरिंग, गांवों में आम मिल जाती हैं चीजें, तो इतना जहरीला भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा क्या खादी प्राकृतिक पेंट में ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाले गुण है, तो उस हिसाब से आपने आंसर दे देना है। ए फ्यूचर फॉर ऑल, ये क्या है? द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस रिपोर्ट रिलीज बाय WWF एंड UNEP ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट। क्वेश्चन आ जाएगा ए फ्यूचर फॉर ऑल क्या है? बेसिकली ये एक रिपोर्ट है, किसके लिए? भी ये जो धरती है सबकी है, सिर्फ इंसानों की नहीं है, और जानवर और जो हम इंसान है इसमें आपस में जो कंफ्लिक्ट होते हैं उसके मद्देनजर एक रिपोर्ट है, किसमें? ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट के ऊपर, ठीक। आगे है जी अगरवुड। अगरवुड आपने सुना होगा, जो परफ्यूम का शौकीन है लोग, उनको पता है कि अगरवुड की लकड़ी से अगरबत्ती बनती है, अगरवुड की इसका परफ्यूम भी होता है, इसकी स्मेल अच्छी होती काफी। तो इट्स ऑयल इज आल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड, तो इसके तेल को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, ठीक। IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि इसको इतना अधिक यूज किया जा रहा है कि ये इसकी संख्या काफी कम हो गई है, इतने आम नहीं मिलते जी, ये बात होगी। नेटिव टू कहां कहां मिलता है? देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इस एरिया में ये नेचुरल रूप से नेटिव है, ये यहीं पर मिलता है। इट इज एन एवरग्रीन ट्री, सदाबहार ट्री है ये। तो अगरवुड क्या हो गया? परफ्यूम में यूज होता है। आप अगरबत्ती भी देख सकते हो, उनको कह सकते हैं अगरवुड वाली अगरबत्ती देना, तो बड़ी फेमस है अगरवुड, इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। IUCN स्टेटस क्या है इसका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके जी, आगे बात आती है जी राज मिर्चा। मिर्चा, मिर्ची की वैरायटी है राज मिर्चा, फेमस चिल्ली फ्रॉम नागालैंड, किस एरिया की है? नागालैंड की, ठीक। आल्सो नोन एज बूट जलो किया, बूट जलो किया भी कहते हैं, और गोश्त पेपर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक कड़वी होती है, ठीक। इन 2008 इट रिसीव्ड GI सर्टिफिकेशन, 2008 में इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाली सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। राजा मिर्चा क्या है? नागालैंड की चिल्ली मिर्च है, मिर्च की वैरायटी है, बहुत कड़वी होती है। इट इज रिगार्डेड एज वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिल्ली, तो इसको पूरे विश्व की सबसे ज्यादा तीखी मिर्च माना जाता है। कंसिस्टेंटली रैंकिंग इन टॉप 5 ऑन लिस्ट ऑफ हॉटेस्ट चिल्लीज इन द वर्ल्ड, तो टॉप की 5 जो सबसे तीखी है, जो सबसे कड़वाहट पैदा करने वाली जो है ना तीखी मिर्ची, उसमें इसका नाम है राजा मिर्च। आगे है जी पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोवितोरा
देखो नाम से ही है बॉबीदोरा, ये उधर का ही है शब्द, वेस्ट बंगाल असम साइड का। तो बेसिकली ये क्या है, असम का हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोस। तो एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं उनकी सबसे अधिक डेंसिटी कहाँ है, पॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि गैंडे सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, सबसे अधिक डेंसिटी कहाँ है, तो पॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो, ठीक, कहाँ, असम में। तो उसमें हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है एक सिंग वाले गैंडे की, एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोस इन असम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। दूसरे नंबर पर कहाँ है सबसे अधिक गैंडे, बॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। पर अगर क्वेश्चन आ जाए हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, तो वो बॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ना कि काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये आपको बातें याद होनी चाहिए। देखो मैं बार बार कहता हूं कि सारे ही आपने डाटे नहीं रट्टे लगाने, पर मेन मेन छोड़ने नहीं है। आगे है केव लायन। केव लायन क्या है, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव फाउंड डेड बॉडीज ऑफ टू नियरली परफेक्टेड प्रिजर्व्ड केव लायन कब्स विच लिव्ड 28,000 ईयर्स अगो। 28,000 साल पहले ये शेर रहते थे, गुफाओं में रहने वाला शेर है, ठंडे एरिया में रहने वाला शेर, जो पुराने आपने देखा है वो मूवी देखी होगी आपने आईसीज, तो उसमें जो शेर की वराइटियां नहीं होती, जो बड़े से सींग है उनके मुंह के पास, तो वो ऐसा पुराने जमाने वाला शेर है ना, जो कितने हजारों साल पहले वाला। तो उस वो कभी जब मर के होंगे तो वो क्या है, बर्फ के अंदर धस गए, ठीक है, तो धस गए, तो उनकी जो बॉडी है वो क्या है, वो सड़ी नहीं, काफी हद तक प्रजर्व रही है, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड टेम्परेचर में केमिकल रिएक्शन कम होते हैं, तो उससे क्या है, उनकी बॉडी के अवशेष काफी प्रजर्व रहे। गूगल पर आपने फोटो देख लेनी है, इनकी खाल भी है, सब कुछ ऐसे ना मरे हुए ऐसे मिले हैं, 28,000 साल पुराने। दे वर फाउंड इन सर्बिया परमा फ्रॉस्ट रशिया। तो रशिया का है ना जो सर्बिया एरिया, तो उसमें जो बर्फ जमी रहती है, परमा फ्रॉस्ट मतलब जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर इनकी बॉडियां भी जम गई होंगी बर्फ में, तो वैसे ही जमी रही जमी रही जमी रही, और क्या है, उनकी बॉडी का विघटन नहीं हुआ, वो सड़ी नहीं। तो ऐसे ही ये दो हमने क्या है, केव लायन के कब्स, छोटे कब मतलब छोटे छोटे बच्चे, वो फाउंड हुए हैं। अच्छा जी, द केव लायन ऑफन निक नेम्ड द मेगा लायन, इसको मेगा लायन भी कहते हैं, केव लायन को, काफी बड़े आकार के होते हैं जी, पहले होते थे अब नहीं, इज ए जीनस ऑफ प्री हिस्टोरिक लायन। प्री हिस्टोरिक लायन, जब से हिस्ट्री नहीं शुरू लिखनी शुरू हुई, बहुत पुरानी हिस्ट्री, बहुत पुराने समय के तब के शेर हैं जी, डेट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज, ठीक है ना, लास्ट आइस एज में ये पाए जाते थे, इनका ओरिजिन तब हुआ था। मेगा लाइन, केव लाइन, आपने की टर्मिनोलॉजी उठा लेनी है, केव लाइन उनके अवशेष मिले, काफी पुराने हैं, कहां, सर्बिया परमाफ्रोस्ट, कहां है जी, रशिया में, ठीक, और प्री हिस्टोरिक है जी, मेगा लाइन भी कहते हैं, ठीक है जी। आगे है जी दीपर बिल, ये क्या है, असम्स ओनली रामसर साइट। हमने रामसर साइट पढ़ी क्या होती है, तो असम में एक ही रामसर साइट है, उसे कहते हैं दीपर बिल। रिसेंटली क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोहिबिटेड कम्युनिटी फिशिंग हेयर, वहां के प्रशासन ने कम्युनिटी फिशिंग को बंद कर दिया कि आपने जहां पर मछलियां नहीं पकड़नी। परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है ये, फ्रेश वाटर लेक है, ये न्यूज में था, पर आपने इतना याद रखना है, दीपर बिल कहां है, रामसर साइट है असम की, असम से ओनली रामसर साइट। आगे है ये सांबर साल्ट लेक, वर्ल्ड फेमस सांबर साल्ट लेक कहां है, राजस्थान में, विच इज क्या है ये, कॉन्स्टेंटली श्रिंकिंग, धीरे धीरे इसका आकार कम हो रहा है, विद द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर क्वालिटी। तो वहां की सॉइल और वाटर की क्वालिटी क्या है, खराब हो रही है, एंड इट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो जो प्रवासी पक्षी है जहां पर आते हैं उनकी संख्या भी क्या है, कम हो रही है। द लेक कहां सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर, जयपुर से दक्षिण पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर जाओगे तो वहां पर ये लेक है। इज द कंट्रीज लार्जेस्ट इनलैंड स्लाइन वाटर बॉडी, हमारे देश की सबसे क्या है, साइज में सबसे बड़ी इनलैंड, इनलैंड का मतलब जो समुद्र में
को टच नहीं करता एरिया, वहां की सलाइन वाटर बॉडी है ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं, सांबर लेक है ना, सांबर साल्ट लेक, विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एवरी ईयर, हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी जहां आते हैं हर साल। अच्छा जी, द डेथ ऑफ मोर देन 20,000 बर्ड्स बिलोंगिंग टू अबाउट 10 स्पीसीज विच माइग्रेट एनुअली टू द लेक हैड मेड इंटरनेशनल हेडलाइंस इन 2019 में क्या हुआ था कि जहां पर 20,000 पक्षियों की डेथ हो गई थी। क्यों हो गई थी? ये पक्षी ऑलमोस्ट 10 स्पीसीज के थे, 10 स्पीसीज 10 प्रकार के पक्षी, उनकी संख्या कितनी 20,000, तो इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इसलिए बड़ा न्यूज में था, अभी ऐसा क्या हो गया भाई, इतनी लार्ज संख्या में पक्षी मर गए। अच्छा जी, द बर्ड्स फॉरेजिंग इन द सैंपल मार्शलैंड्स हैड डाइड ड्यू टू एवियन बोटुलिज्म, तो उनको एवियन बोटुलिज्म हो गया था। बोटुलिज्म का मतलब क्या है, वो पेट की इन्फेक्शन हो जाती है इसमें, ठीक, तो पक्षियों को बोटुलिज्म हो गया था, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई थी इनको, फूड मतलब कि जरे कुछ का ऐसा खा लिया जो इनको जो पचा नहीं पाए, हाँ? पेट मतलब कि जहरीला खा लिया खाना कुछ, बोटुलिज्म। फोर मोर इंडियन साइट्स गेट रामसर रिकॉग्निशन, ये अगली बात आ गई कि इंडिया में चार और साइट्स को रामसर की रिकॉग्निशन मिली है। ये कोई इतना परमानेंट डाटा नहीं है, क्योंकि हर साल एक दो साल बाद कुछ ना कुछ वेटलैंड को रामसर की रिकॉग्निशन मिल जाती है, पर हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल रामसर रैंकिंग, 46। आपने जरा करंट अफेयर्स को ध्यान से देखना है, अब 46 है, कुछ और ऐड हो गई तो इसका मतलब कुछ और बढ़ गई होंगी, ठीक है जी। देखो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, हरियाणा, तो जो चार ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में, विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हरियाणा में, ये क्या है, ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इन हरियाणा, हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है वेटलैंड, विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, तो दो हरियाणा की हो गई और दो गुजरात की, थोल इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, वर्डवाना ये भी गुजरात में है, इट इज इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स वर्ल्ड लाइफ, यहां पर काफी माइग्रेटरी पक्षी आते हैं, एज इट प्रोवाइड्स विंटरिंग ग्राउंड टू माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, ठीक। तो आपने ऊपर ऊपर से देख लेना है, दो है हमारी गुजरात की, दो है हरियाणा की, थोल कहां है, गुजरात में, बड़वाना कहां है, गुजरात में, और सुल्तानपुर हरियाणा में, विंडवास हरियाणा में, ये पढ़ लेना आपने। आगे है जी मजूली आइलैंड, मजूली कहां है, असम में, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड मतलब कि जो रिवर जब बहती है अपने साथ वो मिट्टी के कण लाती गई इतने जमा कर दिए कि वो पूरा क्या है, एक आइलैंड बन गया, आइलैंड मतलब द्वीप, अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्या है, रिवर के द्वारा बनाया हुआ एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट, बहुत बड़ा क्या है आइलैंड है मजूली रिवर इन असम, और कौन सी रिवर के ऊपर, मजूली इन रिवर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ ये आइलैंड है, किस राज्य में, किस स्टेट में, असम में, ये बात याद रखनी। आगे है जी लॉकटेक लेक, कहां है, मणिपुर में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक, नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, विच होस्ट हुमडिस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हुमडिस, हुमडिस क्या होते हैं, फ्लोटिंग बायोमास होते हैं, जैसे मैंने बताया कि पेड़ पौधे हैं छोटे जो पानी में पैदा हो जाते हैं, तो ऐसी चीजें वो क्या है उस लेक में काफी अधिक पैदा हो जाती हैं जो कि फ्लोट करती है, तो उस फ्लोटिंग को क्या कहते हैं, हुमडी, एंड ह्यूमसैंक्स और हार्ट्स ऑफ फिशरमैन ऑन देम, तो इतने ये हो जाते हैं बायोमास, इतना हो जाता है कि इसके ऊपर जो है वहां के लोग हैं मछुआरे हैं अपना कुटिया भी बना लेते हैं, अपना हट भी बना लेते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें कौन सा नेशनल पार्क है, कीबुल लामजो नेशनल पार्क, कीबुल लामजो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है ये, कीबुल लामजो नेशनल पार्क,
इज द ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर इकलौता फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कौन सा है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किस लेक के ऊपर? लॉकटेक। कहां है ये लेक? मणिपुर में। इसमें फ्लोटिंग बायोमास को क्या कहते हैं? हुमडीज। ठीक है ना। इज ऑन साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द लेक, है ना, लेक की साउथ वेस्ट साइड में है। एंड इज लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ संगाई। जीवी को बात है, वहां पर एक खास किस्म का हिरण पाया जाता है, उसे कहते हैं संगाई। और ब्रो एंड टलर डांसिंग डियर, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना देखो, जब वो ये दलदल वाले एरिया से एक जगह पर दूसरी जगह में जाता है ना, इस एरिया में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ऐसे छलांगे लगा लगा के थोड़ा डांस करते करते हमको लगेगा डांस कर रहा है, तो इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। आगे है जी मोमुला केव। मोमुला केव क्या है? ये मेघालय में है। स्टेलेगमाइट केव्स है। स्टेलेगमाइट केव्स जो जिसमें क्या होता है, एक होती स्टेलेक्टाइट, एक होता है स्टेलेगमाइट। स्टेलेक्टाइट क्या होता है? जहां पर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे स्तंभ सा होता है, अगर नीचे से ऊपर तरफ बना है स्तंभ केव में, उसे कहते हैं स्टेलेगमाइट। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ हेलोसिन पैलियो क्लाइमेट एंड पैलियो मॉनसून। तो ये बहुत पुरानी केव है। बस ये आपने याद रखना है कि मोमुला केव कहां है? मेघालय में। एम से मोमुला, एम से मेघालय, ज्यादा देर डीप नहीं जाना। अच्छा जी, आगे है जी मोबली और गॉड्स रॉक। ये भी कहां है? एम से मोबली, इसे गॉड की रॉक भी कहते हैं। ये मेघालय में है। आपने गूगल पर फोटो देख लेनी है, ये काफी ऐसी रॉक है, 45 डिग्री एंगल पर खड़ी है। ह्यूज बैलेंसिंग सैंडस्टोन रॉक स्लांटिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल पर, इन साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑन हिल स्लोप ऑफ ओवरलुकिंग वाहरशी रिवर वैली। ठीक, तो आपने इसकी फोटो देख लेनी है, मोबली रॉक। तो ऐसे कितना बड़ा रॉक का पत्थर है, ऐसे रॉक है, तो वो ऐसे टेढ़ा सा खड़ा है। ठीक है जी, आगे है AR6। ये क्या है AR6? रिसेंटली द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, इसने क्या किया है? रिलीज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स 6th असेसमेंट रिपोर्ट। AR का मतलब असेसमेंट रिपोर्ट, 6 का मतलब 6 पार्ट। तो होता गया ना कि क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, कितना हमने उसके ऊपर काबू पा लिया है, जो हमने एफर्ट किए हैं क्या वो रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस सब चीज के ऊपर ना IPCC रिपोर्ट जारी करती है। तो पहले इन्होंने 5th रिपोर्ट तक हो गया था काम, अब 6th रिपोर्ट आ रही है। ठीक है ना, तो 6th रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट इन्होंने जारी कर दिया है। तो कोई भी अगर आप सिविल की तैयारी करोगे तो ये मान लो कि AR6 अब काफी समय के लिए न्यूज में रहने वाला है, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट आया है, वो क्या कहता है, फिर दूसरा आएगा, वो क्या कहता है, भी कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन काफी बनने के चांस रहेंगे। तो असेसमेंट रिपोर्ट 6 है न्यूज में। टाइटल क्या है? टाइटल उसका क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। छोड़ो इसको। AR6 इज एन अपडेट ऑन AR5 रिलीज्ड इन 2015। तो जो पहले 5वीं वाली रिपोर्ट थी वो 2015 में रिलीज हुई थी, अब उसको अपडेट किया है, तो 6 वाला वर्जन आ रहा है। तो इसका पार्ट 1 आया है अभी। द 2 रिमेनिंग पार्ट्स वुड बी रिलीज्ड इन 2022। तो दूसरे बाद में रिलीज हो गए होंगे, तो या होने वाले होंगे। तो आपने AR6 याद रखना है, असेसमेंट रिपोर्ट वर्जन 6। आगे है जी नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रलिटी। ये हम पढ़ चुके हैं कि जितना हमने कार्बन का प्रोडक्शन की, CO2 वगैरह ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन की, उतना ही सिस्टम से वापस कर लिया, ले लिया किसी तरह। तो कहने का मतलब है कि नेट क्या है? जीरो को। जितना गड़बड़ की उतनी गड़बड़ को ठीक कर लिया। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या कार्बन न्यूट्रलिटी में आपने जीरो एमिशन करना है? तो आपने कहना नहीं, एमिशन तो हमने करना है, पर जितना एमिशन किया उसको वापस भी खींच लेना है, उसको वापस सिस्टम से हटा देना है। इट इज अचीव्ड व्हेन मोर कार्बन इज सक्ड आउट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग एमिटेड देन व्हाट ए कंट्री एमिट्स। ठीक है। इट इज क्रिटिकल टू एंश्योरिंग दैट द प्लैनेट डज नॉट हीट अप एन एडिशनल हाफ ए डिग्री बाय 2100। 2100 सेंचुरी के तक हम क्या है कि हमारा प्लैनेट है हाफ डिग्री
एडिशनल हाफ डिग्री से ज्यादा हीट ना हो। सिंपली आप कह दो कि हमने प्लैनेट को ज्यादा हीट नहीं होने देना, क्लाइमेट चेंज को बढ़ने नहीं देना, तो उसके लिए हमने क्या लाना है, कार्बन न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट। 120 कंट्रीज हैव कमिटेड विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ फर्मनेस। 120 देशों ने कहा है हाँ अभी हम कार्बन न्यूट्रलिटी लाएंगे। किसी ने 2050 की बात कही, किसी ने कुछ 2060 की बात कही होगी। तो ज्यादातर इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने कहा है हम 2070 तक, 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी ले आएंगे। 5 कंट्रीज हैव नेट जीरो प्लेजेस सेट फॉर आफ्टर 2050। 5 ने कहा कि हम बाद में करेंगे 2050 के बाद, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर विच हैव नॉट सेट ए फर्म टारगेट जेट। तो कईयों ने पक्के टारगेट नहीं भी सेट किए। किस किस ने किए, किस किस ने नहीं किए, इतना आपने रट्टे नहीं लगाने। बस हाँ भी आपने ये रखना कि अलग अलग कंट्रीज ने अपने अलग अलग टारगेट सेट किए हैं कि इस साल तक हम अपने देश में कार्बन न्यूट्रलिटी ले आएंगे। चाइना द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अमीटर, सबसे अधिक कौन अमिट करता है, चाइना हैज कमिटेड टू पीक इट्स अमिशन बिफोर 2030। वो बोल रहा है कि हम 2030 तक अपने आप का अमिशन पीक कर लेंगे, उसके बाद घटाएंगे। पीक मतलब मैक्सिमम जितना हम अमिशन कर सकते हैं उतना करेंगे 2030 तक, उसके बाद घटाएंगे। एंड अचीविंग नेट जीरो बाय 2060, तो 2060 तक हम नेट जीरो ले आएंगे, बाद में घटाते घटाते 2060 तक, 2060 तक नेट जीरो कर देंगे। द यूनाइटेड स्टेट हैज सेड इट वुड अचीव नेट जीरो बाय 2050। अमेरिका ने कहा है 2050 तक हम नेट जीरो कर देंगे। एंड नियरली हाफ अमिशन बाय 2030 तक हाफ कर देंगे। हर कंट्री ने अपना अलग अलग टारगेट तय किया हुआ है, ठीक। इंडिया इज अमंग द मेजर कंट्रीज दैट हैव नॉट कमिटेड टू ए 2050 प्लान। तो हमने 2050 वाले प्लान को कमिट नहीं किया, हमने कहा कि हम अभी अमिशन करेंगे। बट इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैज डिलीवर्ड ऑन वन ऑफ द 2050 पेरिस एग्रीमेंट्स। तो हम ये बातें पढ़ चुके हैं, चाहे हमने फर्म कमिटमेंट नहीं की पर फिर भी इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है। जो 2015 वाली पेरिस एग्रीमेंट थी ना, उसके तहत जो कार्बन का एमिशन रिड्यूस करना था, उसके हिसाब से हमने काफी अच्छा काम किया है, काफी कार्बन कम कर दिया है, ठीक। तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या था मेन गोल, दैट इज टेकिंग स्टेप्स टू एंश्योर दैट इट्स एमिशंस डू नॉट पुट द ग्लोब ऑन ए रोड टू हीटिंग 1 डिग्री मोर देन प्रेजेंट बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी। भी इस सेंचुरी के अंत तक हमारा जो धरती का तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ जाए। तो ये किसका एम था, पेरिस एग्रीमेंट में हमने ये बात कही थी कि इस सदी के अंत तक ग्लोब का टेम्परेचर क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना बढ़ जाए, ठीक। तो इसके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया ने अच्छे टारगेट सेट किए हैं और अच्छा उसको अचीव भी किया है। पर याद रहे कि 2050 कार्बन न्यूट्रलिटी वाला जो टारगेट है, हमने उसको पक्के कमिट नहीं किया। हाँ हम 2000 हमने क्या कहा है, अब क्या कहा है 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी ले आएंगे और 2050 तक अपना हाफ वाली एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी का हाफ है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेंगे, ठीक। तो आपने याद रखना है कि इंडिया ने कौन सा टारगेट सेट किया है, 2070 का। तो इसको ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लेना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।